विटामिन डी की कमी से हमारे शरीर में कैल्शियम की कमी तो हो ही सकती है, इसके साथ साथ हमारी हड्डियां भी कमजोर हो सकती हैं, बॉडी पेन की भी समस्या आ सकती है विटामिन डी की कमी से, साथ ही साथ हेयर फॉल की समस्या भी हो सकती है, मूड स्विंग्स भी हो सकते हैं। और लंबे समय तक विटामिन डी की कमी रहेगी तो स्ट्रेस, एंग्जाइटी और डिप्रेशन की समस्या भी देखी गई है। इसके साथ साथ इनफर्टिलिटी भी हो सकती है, मेल हो या फीमेल दोनों में इनफर्टिलिटी की भी प्रॉब्लम हो सकती है विटामिन डी की कमी से, और कहीं पेशेंट्स में तो कैंसर के रिस्क भी बढ़ जाते हैं अगर विटामिन डी की कमी हो। और अगर लंबे समय तक बनी रहेगी तो इंसुलिन रेजिस्टेंस को प्रमोट करता है, जिसकी वजह से मोटापा बढ़ता है, ओबेसिटी बढ़ती है, पीसीओडी पीसीओएस की समस्या भी आ सकती है। तो ध्यान रखिए, अपनी विटामिन डी की डेली डोज आप जरूर लें। 1 घंटा डेली बैठने से धूप में विटामिन डी की कमी पूरी हो सकती है। अगर आप नहीं बैठ पा रहे हैं तो हफ्ते में 1 बार विटामिन डी का सप्लीमेंट आप ले सकते हैं। 60,000 इंटरनेशनल यूनिट का कैप्सूल हफ्ते में 1 बार लेंगे तो आपको काफ़ी हद तक विटामिन डी की कमी को पूरी कर देगा।